सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, और इसमें जो नेक्टर है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि किसी भी फ्लावर की स्मेल होती है वो इसकी वजह से होती है। फंक्शन पेटल्स का फंक्शन क्या है? पेटल्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द फर्टाइल स्ट्रक्चर एंड आल्सो हेल्प अट्रैक्ट पोलिनेशन। पेटल जो है वो एक तो फ्लावर को सपोर्ट कर रही होती हैं और प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, जो उसका फर्टाइल स्ट्रक्चर्स होता है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। और एक इनका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होता है तो ये दूसरे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और हेल्प करता है पोलिनेशन के प्रोसेस में। दीज आर द पेटल्स, ये पेटल्स है, ये कलर डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर्स के पेटल्स होती है और ये कलरफुल होती है, इसी वजह से डिफरेंट इंसेक्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं प्लांट की फ्लावर की तरफ और वो पोलिनेशन को टेक प्लेस करते हैं, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। देन वी टॉक अबाउट द सेपल्स, एज आर आल्सो लीफ लाइक, यूजली ग्रीन इन सर्कल द फ्लावर स्टेम नी द पेटल्स। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो पेटल्स हैं उनकी सराउंडिंग में जो है वो सेपल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन इनका क्या है? लाइक पेटल्स सेपल्स आल्सो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द फर्टाइल स्ट्रक्चर एंड आल्सो हेल्प अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। जो पेटल्स होती हैं ये भी प्रोटेक्ट करती है, जो उसका फर्टाइल जो उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको ये प्रोटेक्ट करती हैं और जो पोलिनेटर्स हैं जो इंसेक्ट हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। इट आल्सो कवर द आउटसाइड ऑफ फ्लावर बर्ड टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर इट ओपन। और जो ये फ्लावर का जो बर्ड होता है वो अगर हम कहते हैं ना बर्ड की फॉर्म में जो अक्सर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है तो वो बर्ड किसका बना होता है? वो सेपल्स का बना हुआ होता है और फिर वो ओपन होता है जिसकी वजह से जो है वो पेटल्स जो है वो ऑर्गेनाइज होती हैं। स्टेमन, वी टॉक अबाउट द स्टेमन्स, इट इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, इट इज़ मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। अगर हम स्टैमन की बात करें तो ये क्या है, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैमन कहती है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये पोलन ग्रेन गैमिट्स, जो मेन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं गैमिट्स और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टैमन इज़ टू प्रोड्यूस द पोलन। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। This is the example of stamen. Anther, terminal structure which is part